गाइस अभी आपने जिस तरह का स्टेटस देखा गाइस, डीजे स्टेटस भोजपुरी वाला गाइस, जो पवन सिंह का सॉन्ग है ले लो पुदीना गाइस, जो स्टेटस है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है गाइस। इस सॉन्ग तो मैंने सोचा क्यों ना इसी सॉन्ग पर जो मैं डीजे स्टेटस लेके आ जाऊँ गाइस, और आप भी जो इस तरह का डीजे स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए जो मोबाइल में काइन मास्टर जो ओपन कर लें, ओपन करने के बाद जो इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। दिखने के बाद आपको क्या करना है चलो मैं दिखाता हूँ। जो प्लस का अकाउंट दिख रहा है सबसे पहले प्लस का अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, और जो दिख रहा है 9:9 सिस्टम को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट हो जाने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा गाइस। दिखने के बाद गाइस जो दिख रहा प्लस प्लस का जो दिख रहा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग में क्लिक करना है, एडिटिंग में जाना है, और इसका जो ड्यूरेशन है गाइस कुछ इस तरह को 2 पॉइंट में रख लेना है, और स्क्रॉल के नीचे जाना है, फिल स्क्रीन जो दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसको डन कर लेना है। ऊपर गैलरी से गाइस यहाँ से आपको जो 15 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना है गाइस। तो चलो मैं यहाँ से जो 15 मॉडल्स फोटो है ऐड कर लेता हूँ गाइस। आप भी 15 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना गाइस, अगर खुद का बनाना चाहते हो तो अपना मॉडल्स फोटो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं गाइस। इतना ऐड हो जाने के बाद उसको डन करना, डन करने के बाद उसको थोड़ा इस तरह से को जूम कर लेना कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं जूम कर रहा हूँ दोनों उंगलियों की मदद से। इतना जूम हो जाने के बाद गाइस को फर्स्ट तरफ आना गाइस, फर्स्ट मॉडल्स पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है। जाने के बाद गाइस जो इन एनिमेशन का ऑप्शन मेरा वीडियो मतलब कि मेरा कैनवास में दिख रहा है को इस पर क्लिक करना है, इसको के नीचे जाना है गाइस, और यहाँ जो कुछ मैं दिखा दूँ कौन सा इफेक्ट ऐड करना है, जो दिख रहा है 29 जो 29 नंबर को दिख रहा है इफेक्ट, यहाँ से गाइस को डन कर मतलब सेलेक्ट करके डन करना है। फिर दूसरा मोड उस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, आपको इसको के नीचे जाना है, फिर से आपको इसको के मतलब नीचे जाना है, और यहाँ से जो आपको 30 वाला इफेक्ट है इसको ऐड कर लें। यहाँ से गाइस जितना मॉडल्स फोटो सिलेक्ट किया सब में आपको कुछ इसी तरह से है, जितना इफेक्ट आपको कुछ इस तरह से ऐड कर लेना गाइस। चलो मैं तो काम को जो फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद जो वीडियो आगे को प्रोसेस है मैं बताऊंगा। तो लो गाइस मेरा जितना मॉडल्स फोटो था गाइस सब में कुछ तरह से जो मैं इफेक्ट ऐड कर लूँ, ऐड हो जाने के बाद गाइस डन करना है। डन करने के बाद इस वीडियो को यहाँ से कोई एक बार जो है एक्सपोर्ट कर लेना गाइस। तो चलो मैं इस वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो लो गाइस मेरा जो वीडियो है एक बार एक्सपोर्ट हो गया। हो जाने के बाद गाइस को यहाँ से बैक करना एक बार, और इसको जो जूम किए थे इसको कुछ इसी तरह वही साइज में ले आना इस तरह से। उसके बाद इस मतलब इतना तो रखना गाइस। उसके बाद जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लिक करना है, और जो भी वीडियो एक्सपोर्ट किया तो उसी वीडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद डन करना है, उसी वीडियो पे क्लिक करना है, 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको जो इसको डुप्लीकेट को बना लेना है। तो गाइस इस वीडियो का डुप्लीकेट का जो ड्यूरेशन है वो कुछ ही तरह से 33 सेकंड मतलब 33.5 सेकंड तक बना लेना गाइस। तो चलो मैं मैं 33 सेकंड तक वीडियो का जो डुप्लीकेट लेयर है मैं बना लेता हूँ गाइस। बना लेने के बाद गाइस वीडियो में जो आगे का प्रोसेस है मैं बताऊँगा। तो लो गाइस मेरा जो वीडियो का ड्यूरेशन है 33 सेकंड तक हो गया कुछ इस तरह से। हो जाने के बाद इसे डन करना है, उसके बाद फर्स्ट तरह बना है कुछ इस तरह। इसको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से जो है ग्रीन स्क्रीन जो वीडियो मैंने एडिट किया उस वीडियो को यहाँ से कोई बार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद सामने कुछ इस तरह का इसका जो इंटरफेस ग्रीन स्क्रीन दिखेगा, इसको कैसे मतलब रिमूव करना चलो मैं दिखा देता हूँ। आपको जो राइट साइड में देखा क्रोमा की को ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ जो नीचे लिखा है की कलर इस पर को क्लिक करना गाइस। जो इस जो ड्यूरेशन इन लोगों का जो है काम करना, ग्रीन स्क्रीन का जो ड्यूरेशन है वो फुल रखना गाइस। यहाँ से को डन करना है, और इसको यहाँ से जो इनेबल कर देना कुछ इस तरह से। अगर सामने जो ग्रीन कलर का जो मतलब कि बैकग्राउंड था वो अपने आप रिमूव हो जाए। रिमूव हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ से डन करना गाइस। डन हो जाने के बाद गाइस आपका स्टेटस दिखेगा गाइस कुछ इसी तरह से बन के आपको दिखेगा गाइस। तो सॉरी मैं इसको बड़ा नहीं किया हूँ। तो जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो स्लाइड्स पे क्लिक करता हूँ, जो बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है बॉक्स में क्लिक करना है। यहाँ से इस वाला बॉक्स में क्लिक कर देना है, का जो स्टेटस है गाइस मतलब फुल स्क्रीन सेट हो जाएगा। का स्टेटस कुछ इस तरह का जो गाइस कमाल का बन के दिखेगा गाइस। ले लो पुदीना वाला सॉन्ग पर मैंने एडिट किया हूँ गाइस, और आप भी जो इस तरह का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस बना सकते हैं। तो इस वाला इफेक्ट को क्या करना है मतलब जो स्टेटस एक बार इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलो मैं इसको जो एक बार इस वाला वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ गाइस। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद गाइस वीडियो में आगे प्रोसेस है जो मैं बताऊँगा। तो देख लो जो मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस, तो आपको 2 सेकंड और वेट करना। तो ये लो गाइस आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो गया गाइस 2 सेकंड में। हो जाने के बाद यहाँ से बैक जाना गाइस।
बैक आना, और एक बार को बैक जाना गाइस, फिर को प्लस के ऊपर क्लिक करना, नए रिसोर्स सेंटर सेलेक्ट करना गाइस, जो भी वीडियो एक्सपोर्ट किया तो उसी को वीडियो को फटाक से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस डन करना को फर्स्ट तरफ आना गाइस, लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना गाइस, यहाँ से कुछ एक कमाल का जो टेम्पलेट को ऐड कर देना गाइस, ताकि वीडियो मेरा और भी बेहतरीन बन जाए। टेम्पलेट ऐड हो जाने के बाद साउंड का ऑप्शन देना, क्लिक करना गाइस, म्यूट करना इसका जो फटाक के नीचे करना, डन करना, फिर टेम्पलेट पे क्लिक करना, बॉक्स ओपन करना, फिर सेलेक्ट करना, डन करना, फिर टेम्पलेट पे क्लिक करना, स्क्रॉल के नीचे जाना और आपको दिखा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, तो ये रहा ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से कोई स्क्रीन जो लिखा दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना, डन करना गाइस, लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना गाइस, और यहाँ से फटाक से आपको जो एक बॉर्डर पीएनजी ऐड कर देना है ताकि और भी वीडियो अच्छा लगे। तो लो गाइस अगर बॉर्डर पीएनजी ऐड हो गया, बॉक्स पे क्लिक करना, इस बॉक्स पे सेलेक्ट डन करना गाइस, फिर से लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना गाइस, और यहाँ से कुछ जो एक जो भोजपुरी सॉन्ग पर बना है तो भोजपुरी का जो पीएनजी ऐड कर देना ताकि वीडियो और भी अच्छा लगे। तो लो गाइस भोजपुरी पीएनजी आ गया मेरा, और इसको कुछ इस तरह से आपको जो एडजस्ट कर लेना यहाँ तक गाइस। एडजस्ट हो जाने के बाद गाइस डन करना, यहाँ से इसको छोटा करना, जो बॉर्डर पीएनजी लिए थे उसको कुछ इस तरह से वीडियो के लास्ट तक ले आना गाइस। तो बस का स्टेटस कलरफुल बन के दिखेगा और जो भी कमाल का बने के दिखेगा, ले लो पुदीना वाला सॉन्ग पे, और देख लो का जो यहाँ तक हो जाने के बाद गाइस कोई वीडियो जो को एक बार एक्सपोर्ट कर लेना गाइस। तो मैंने इसका जो ड्यूरेशन ज़्यादा रख दिए थे गाइस, तो मैं इसको थोड़ा कट लगा लेता हूँ, ये सॉन्ग इतना लंबा नहीं गाइस, यहीं तक है, तो मैं इसका जो एक कट लगा लेता हूँ गाइस, कुछ इस तरह से को कट लगा लेना गाइस, पहले वाला वीडियो एक्सपोर्ट किया उसी में। तो आई होप कि इस वीडियो को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस, और आप भी इस तरह का अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करना गाइस, ताकि वो भी इस तरह का जो स्टेटस क्रिएट कर सके गाइस। तो वीडियो देखने के लिए गाइस बहुत बहुत थैंक यू गाइस।